जो है उसके खिलाफ तुम कौन होते हो इलेक्शन लड़ने वाले और रिटे हाई कोर्ट में फाइल करने वाले, जिस पर आजमजी तारर वहां खड़ा था, वो पता नहीं उनका पेड़ वकील है, जिसने फौजी अदालतें भी बनवाई वजीर कानून बन के, जिसकी हम सख्त बोखला मुखालफत करते हैं, उसने मुदाखलत की। तो मैंने कहा आप कौन है, आप कौन होते बीच में बोलने वाले, मेरा और अदालत का मामला है, अभी आपको नोटिस नहीं हुआ आपने, अगर वो कहता जी आपने उसको महारानी क्यों कहा है, मैंने कहा महारानी कहा है, नुकरानी तो नहीं कहा मैंने। फिर उसके बाद बाहर निकल के मुझे पूछा, मैंने कहा भाई महारानी का कहा है, कोई शक नहीं है वो लोहारों की औलाद है, उसका दादा परदादा लोहार थे, अब वो बादशाह बन गए, अल्लाह जिसको इज्जत दे, मैंने तो उसको महारानी बनाया था, नुकरानी तो नहीं कहा मैं, है तो लोहारों की औलाद। लेकिन इस बात का पता नहीं, आजम की तारण उनका पेड़ आदमी है, पता नहीं किस मकसद के लिए रखा हुआ है उन्होंने उसको, वो बीच में मुदाखलत कर रहा था, जिस पर अदालत ने भी फिर थोड़ा सा कहा कि भाई अदालत का एहतराम करें, अदालत में जो भी है आप सीनियर लॉयर्स हैं दोनों, जिस पर फिर हमने कहा ठीक, फिर मेरा केस अब 12:30 फिर दोबारा होगी समाप्त इंशाल्लाह, इसी महारानी के बारे में ही हम बात करेंगे, बाकी बातें जितनी रह गई हैं अदालत में, क्योंकि उस वक्त माहौल इस तरह तक था, अब समाप्त दोबारा होगी इंशाल्लाह, सब वाकयात जो भी अदालत में हुए हैं आपके सामने हुए हैं, और इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन चुराया जा रहा है, मियाँ शहजाद फरूक जीत रहा था मरियम नवाज से, सारी रात जीता, आठ रात की सारी रात, अगले दिन 2 बजे मरियम नवाज को इन्होंने जो है वो कह दिया कि वो जीती है, जबकि मियाँ शहजाद फरूक 70,000 से ज़्यादा वोट ले चुका था, मरियम के 25,000 के करीब वोट थे। तो लिहाजा इन हालात में हम हाईकोर्ट में आए हैं, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, अब फॉर्म 45 भी तब्दील कर दिए, हमने कहा कि 47 का फॉर्म इशू ना किया जाए, उस मकसद के लिए हाईकोर्ट आए हैं। अच्छा बाजो साहब एक बात बताइए, फॉर्म 45 आपके पास तमाम पोलिंग स्टेशन के मौजूद हैं, तो फिर उसको कैसे कोई फॉर्म 47 में तब्दील कर सकता है? कल को अगर ये चीज़ सामने आती है कि आपके पास सारे फॉर्म मौजूद नहीं है 45, और वहाँ ये नज़र आता है कि 47 भी आप हार गए, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए फॉर्म 45 के मतलब जो मुझे मेरे क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसके मुताबिक 95% से ज़्यादा उसके पास फॉर्म है, उनका रिजल्ट के मुताबिक वो जीता हुआ है, यही बात हमने हाईकोर्ट में अर्ज की है, उसके लिए ही हम हाईकोर्ट में आए हैं, क्योंकि 47 का फॉर्म इशू करने का एक तरीकाकार है, कानून के मुताबिक तमाम कैंडिडेट्स को नोटिस किए जाते हैं, उनके सामने बनता है, जो नहीं बनाया गया, कानून की वाज़ह खिलाफ वर्जी हुई, जिसके बारे में हम हाईकोर्ट में रिट पिटीशन की है, जिसकी समाप्त अभी फिर दोबारा होगा। बताइएगा अदालत ने नुक्ता उठाया है कि क्या ये अदालत का दायरा अख्तियार है कि नहीं ये दरखास्तों पर समाप्त करना या फैसला देना, इस पे कानून क्या कहता है? जी जब इलेक्शन कमीशन ही बायस्ड हो, आर ओ ने दफ्तर के बाहर पुलिस खड़ी की हुई है, वहाँ पे फौज खड़ी है, और मियाँ शहजाद फरूक को उठा के पुलिस ले गई है, और इसके बाद हमें इलेक्शन कमीशन पे कोई एतबार नहीं, जिसकी वजह से अभी तक क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बने, हमारे पास ये अख्तियार है कि हम अदालत में आए, रिट पिटीशन में हम आए, अदालत में आके हम फॉर्म 47 को चैलेंज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अभी हियरिंग होगी, सब बताएं। बहुत शुक्रिया।